रिकॉर्डिंग। अब भाई यार क्यों मत। हेलो गाइस, वंस अगेन मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपनी। आई होप आप लोग अब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो मैं आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा KCS 302 COA सब्जेक्ट, ठीक है, कि यूनिट नंबर 4 से, ठीक है। तो इस यूनिट नंबर 4 का मैं पार्ट वन मैं कवर करूंगा। कवर क्या क्या करूंगा मैं आपको, जो ये कहानी जो बताई जाएगी। ओके, लेट मी गैदर समथिंग। ओके, जो कहानी बताई जाएगी इस पार्ट वन के अंदर, ये कहानी स्टार्ट होगी आपकी, मैं लेट मी टेक आउट द पेन, मेमोरी मेमोरी की कहानी आएगी। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये कहानी अब आएगी मेमोरी के ऊपर। ओके, और मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा ये आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। आई थिंक रिकॉर्ड हो रही है, अच्छी बात है रिकॉर्ड हो रही है। तो मैं ऑडियो खैर इसके थ्रू भी ले सकता था, लेकिन ऑडियो मैं इसके थ्रू नहीं करना चाह रहा। तो अब हम कुछ मेमोरी के कुछ टर्म्स देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो टर्म कुछ इस तरीके से होंगे कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी आसान हो जाए हमारे इसके अंदर, राइट। तो कंप्यूटर मेमोरी की हम बात करने चलेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं सीधा, और नेक्स्ट पेज हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हम अब बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की। तो कंप्यूटर मेमोरी की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की हम बात करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले कि भाई अकॉर्डिंग टू द की कैरेक्टर, जो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है आपकी, जो ये कंप्यूटर का याददाश्त है, वो कुछ फीचर्स हैं, किसी कुछ फीचर्स के उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन की जाती है हमारी, कुछ कुछ कैटेगराइजेशन की जाती है बेस्ड ऑन सम फीचर्स। अब फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला जैसे फीचर आता है आपका लोकेशन, के कहाँ है मेमोरी, वो किधर है, ठीक है। दूसरा आता है एक्सेस मेथड, कि किस तरह से उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सारी जो भी कैटेगरी से बताऊंगा। तीसरा है परफॉर्मेंस, ठीक है, और चौथा है फिजिकल टाइप। ये वैसे प्रमुख चार होते हैं, लेकिन और भी आपको मिल जाएंगे। तो एक और आपका आता है यहाँ पर, आपके फिजिकल फीचर्स भी होते हैं, आपके फिजिकल फीचर्स आपके कुछ आते हैं इसके अंदर। टाइप में आपको बताऊंगा फिजिकल फीचर्स और टाइप में क्या फर्क है, वो भी बताऊंगा। तो फिजिकल फीचर्स में कुछ इस तरह के आते हैं आपके, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा, अभी एक एरो में यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी कर दिया। और एक और चीज है इस तरीके से, यूनिट ऑफ ट्रांसफर, इसको मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में इनके टाइप्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप यहाँ पर जो आता है वो, अगर लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन आपका या तो सीपीयू की मेमोरी हो सकती है, सीपीयू है तो सीपीयू मेमोरी हो गया, ठीक है। इंटरनल मेमोरी हो गया, जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा एक्सटर्नल मेमोरी हो गया, जो हमारी हार्ड डिस्क जैसी होगी, सेकेंडरी स्टोरेज जिसे हम कहते हैं, एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। और एक्सेस मेथड की बात करें तो वो दो तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। एक हो गया आपका सीक्वेंशियल, मतलब सीक्वेंस वाइज एक एक करके एक्सेस किया जाए, ठीक है। दूसरा टाइप आ गया आपका रैंडम, ठीक है। और तीसरा टाइप हमारा कुछ इस तरह से हो गया, जैसे हमारा एक हो गया डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सेस किया जाए, या एसोसिएटिव एक्सेस किया जाए। ये सब हम अभी आराम से इसको हम देखेंगे। तो पहले पार्ट में मैं आपको पहले मेमोरी का सारा बताऊंगा, इसमें रैम, रोम, रैम की आपकी स्टैटिक और डायनेमिक रैम होती है, रोम में आपके पास आते हैं ई प्रोम, प्रोम, डबल ई प्रोम, ये आप ऑलरेडी शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। इसी की बात है, मैं ज़्यादा इसके बाद डिटेल्स में जाऊँगा, इसके आपको हाईलाइट दूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, उसको भी हम एक बार हम लगे हाथ देख लेंगे उसको भी, ठीक
ठीक है, तो काफ़ी वीडियो बड़ी होने वाली है। तो ये कुछ तरीके के एक्सेस हो गया। अच्छा, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस में आपका हो गया भाई कि एक्सेस टाइम के हिसाब से देखा जा सकता है, कि मेमोरी जो कैटेगरी है वो आपकी एक्सेस टाइम के हिसाब से हो सकती है, कितना मतलब समय लगता है उसको एक फाइल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, साइकिल टाइम के टोटल टाइम उसको कितना लगता है कि मेमोरी को एक्सेस करना, आना ले जाना, आना जाना लेन देन में उसको कितना समय लग जाता है। ठीक है, और ये होगा साइकिल टाइम। और देन आगे आपका ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो भाई आदान प्रदान में मेमोरी की स्पीड कितनी है, मेमोरी से जब बातचीत कर लेते हैं तो कितने तीव्र तरीके से आप कर सकते हैं, ये हो गया परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आपका फिजिकल टाइप आ गया। फिजिकल टाइप को मैं अलग से मैं मेंशन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं स्टार लगा देता हूँ और स्टार लगा के मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, स्टार में जो लिख रहा हूँ आप यहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, फिजिकल टाइप आपका जो आ जाता है वो थोड़ा सा आपका सेमी कंडक्टर बेस हो सकते हैं, हमारे कुछ सेमी कंडक्टर बेस हो गए। और दूसरा टाइप आपका हो गया कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक सरफेस भी हो गया आपका। ठीक है, मैग्नेटिक सरफेस भी आ गया। ओके, और देन आपके पास आता है यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये फिजिकल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या हमारे यहाँ पर, ये यहाँ पे या तो हो सकती है वोलेटाइल या हो सकती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, और तीसरी हमारे जैसे हो सकती है इरेजेबल या नॉन इरेजेबल। ठीक है, ये चार प्रकार की हो सकती है। कि भाई वोलेटाइल का मतलब हो गया आपका कि अगर मैं सिस्टम शटडाउन कर दूं तो सिस्टम शटडाउन करने के बाद जो मेरी रैम है वो खाली हो जाएगी, वो तो वोलेटाइल मेमोरी होगी। नॉन वोलेटाइल, सिस्टम शटडाउन करने के बाद आप रिस्टार्ट करें सिस्टम को, टर्न ऑन करें, बैकअप करें, दोबारा पावर चालू दें उसको, तो जो डाटा आपने रखा हुआ था वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो अगर नॉन वोलेटाइल। ऐसे हो गए इरेजेबल, कि अगर मुझे बीच में से उसको इरेज करना हो, कुछ पोर्शन इरेज करना हो, क्या मैं इरेज कर सकता हूँ। नॉन इरेजेबल हो गया कि आप उसको इरेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें बात आ जाती है। राइट, ये कुछ फीचर्स आ गए। अंत में देखा हमारे पास दो चीज़ें और आती है, कैपेसिटी बेस्ड आती है। ठीक है, कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटी में आपके पास आ गया तो वर्ड साइज। ठीक है, वर्ड साइज आ गया, या आपके पास आ गया नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, कि भाई जो वर्ड है उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, मैं बताऊँ जैसे जैसे लगा रहा हूँ, जैसे ये दिस इज द वर्ड, इस वर्ड की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है और इस नंबर ऑफ वर्ड्स कितने, ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ सकते हैं। जैसे एक्चुअल में यूज भी ये थंडरबोल्ट हब है मेरे पास, मैं उसी का एग्जाम्पल दिखा बता रहा हूँ। तो ये आपकी होगी वर्ड की चौड़ाई, वर्ड साइज, और ऐसे कितने वर्ड आ सकते हैं, तो ये हो गया कैपेसिटी बेस्ड। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास यूनिट ऑफ ट्रांसफर। आ गया मेरा यूनिट ऑफ ट्रांसफर, तो हमारा क्या वर्ड वर्ड बाय वर्ड ट्रांसफर कर सकता है, ऐसे वर्ड बाय वर्ड जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड या वर्ड्स पर सेकेंड ये सब से जाएगा, या ब्लॉक्स पर सेकेंड जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर्स है कंप्यूटर मेमोरी जो इन तरीके से हमारी होती है। अब मैं नेक्स्ट मैं इस स्लाइड पे आपको मैं एक चीज़ बनाकर दिखाऊंगा अभी मैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या। ओके, उस कॉन्सेप्ट को मेरे को देखने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट अब ये है, मैं नेक्स्ट पेज बढ़ता हूँ डायरेक्ट। अब नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ मैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेमोरी हायरार्की। ठीक है, अब मेमोरी की हायरार्की, अब ये हायरार्की क्या चीज़ है भाई। हायरार्की मतलब हो गया कि कौन किससे बड़ा। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं पोजीशन, पद्धति या ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हायरार्की मतलब कौन किससे बड़ा है, कौन किससे ऊंचा है, या किन मामलों में कौन सी मेमोरी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, ज़्यादा प्रायोरिटी रखी जाती है। ठीक है, तो मैं सीधा एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसकी थ्योरेटिकल बहुत कुछ दे रखा है नोट्स का मेरे पास, ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर ही रखा, हर बार मैं उसी लिंक को शेयर करता हूँ, यू कैन डाउनलोड दैट। ठीक है, और जो मैं PDF ये बना रहा हूँ, जो मैं इसका PDF भी मैं लिंक के थ्रू मैं शेयर कर दूंगा, तो जस्ट शॉर्ट में एक बार आप फटाफट इसको देख लें। सो मैं इसको बनाता हूँ इस तरीके से। ओके, देखिए राइट, मैं कुछ देखिए ट्रायंगल बना रहा हूँ।
राइट, ये ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के कुछ हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका एक बना। अब ये एक्चुअल में है क्या क्या, ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए मैं एरो लगा के आपको बताना शुरू करता हूँ। पहले चीज़ क्या क्या, मैं ब्लू से लेता हूँ। पहला जो खाना है सबसे टॉप पे, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, वो है आपके रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास आती है, वो आती है कैशे मेमोरी। इसको कैशे बोलो, कैश मेमोरी बोलो, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना कर सकते हो, कैशे और कैश बात एक ही है। मैं कैशे प्रोनाउंस करता हूँ, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कर लेना, अगर मैं गलत हूँ तो एक बार चेक कर लेना। तीसरी चीज़ आती है आपकी मेन मेमोरी, ठीक है, जो आपकी मेन मेमोरी, जो प्राइम मेमोरी है, जो रैम जो आती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपके पास आती है मेमोरी के बाद, आती है मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, ये आती है मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट थिंग आती है टेप, टेप ड्राइव्स, इसको आप मैग्नेटिक टेप कह सकते हैं। एक्चुअल में इसका अब तो शायद इसमें ये चीज़ नहीं आती है, अब टेप कह सकते हैं, या फिर आप या तो आप इसको और करके ले सकते हैं, ये और मैंने लिख दिया, और या फिर आपकी आ सकती है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। दोनों के प्रायरिटी एकदम सेम होती है, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क होते हैं। इनको भी एक बार हम देख लेंगे, एक बार फटाफट देख लेंगे इसका फंडा एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले क्विकली बता दिया। अब इसमें हायरार्की किस हिसाब से, कौन किससे किस मामले में बड़ा है, कौन किस मामले में किससे छोटा है। सो मैं यहाँ पर दो एरोज बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, एक में बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और एक में बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पहली एरो जो ये अपवर्ड्स की तरफ है, ये एक्चुअल में क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ चीज हो क्या रही है, ये चीज हो क्या रहा है, क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, यहाँ पे बढ़ रहा है आपका जो जो स्पीड है, स्पीड सबसे ज्यादा रेजिस्टर्स की होती है, स्पीड आपकी बढ़ रही है, मतलब सबसे कम स्पीड है आपकी ऑप्टिकल डिस्क, टेप ड्राइव या मैग्नेटिक डिस्क की, ठीक है, उससे ज्यादा स्पीड है मेन मेमोरी की, उससे ज्यादा स्पीड है कैशे मेमोरी की, उससे ज्यादा स्पीड है सीपीयू के रजिस्टर्स की, ठीक है। लेकिन अब कम क्या हो रहा है, अच्छा अब या ये क्या बढ़ रहा है, अब ये तो चलो ऊपर जा रहे हैं तो हमारी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास साइज बढ़ रहा है, साइज कह लीजिए या फिर हम कह लीजिए कैपेसिटी। सबसे कम साइज होता है आपका रजिस्टर्स का, उससे थोड़ा ज्यादा साइज होता है कैशे मेमोरी का, उससे थोड़ा ज्यादा होता है मेन मेमोरी का, बाकी मैग्नेटिक डिस्क काफी ज्यादा होती है, टेप ड्राइव ऑप्टिकल डिस्क और ज्यादा बड़ी हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मेमोरी हायरार्की जो आपको ध्यान रखनी है, इस डायग्राम को आप अच्छे से याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना करो, ये आप अगर बना के आ गए ना, उसको एक्सप्लेन अगर आपने मेरे तरीके से कर लिया जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो वीडियो एंड तक देखना, ओके। अब हम सीधे बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, सीधे हम बात करेंगे रैम और रोम की, ये भगवान श्री राम को भी याद कर लो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के एक्सक्यूज में रैम है, तो रैम का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म है, ये आप लोगों को पता होगा। दूसरा है रोम, दिस इज रीड ओनली मेमोरी, यहाँ से सिर्फ मेमोरी से पढ़ा जा सकता है, सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते, उसमें लिखा नहीं जा सकता। हालांकि अब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं तो कई चीज़ें अभी टाइप्स आएंगे, रोम के टाइप्स आएंगे, रैम के टाइप्स आएंगे, ठीक है। तो अब हम मैं नेक्स्ट पेज पर आगे ले चलता हूँ फटाफट, ये इतना समझने के बाद रैम क्या होता है, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है रैम, ठीक है, रैम जो होता है आपका वो आपके दो प्रकार के में होता है, आपका मेन चीज तो आपका है दो प्रकार में,
पहला आता है स्टैटिक रैम और दूसरा आता है डायनेमिक रैम। इसकी बहुत थ्योरी गिवन मिल जाएगी आपको, सब चीज़ें नोट्स में आपको दे रखा है। तो स्टैटिक रैम को हम कहते हैं एस रैम और शॉर्ट में इसको हम कहते हैं डी रैम। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आज की डेट में आपके लैपटॉप्स में, आपके मोबाइल फोन्स के अंदर, ठीक है, सब में रैम डली हुई आ रही है, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज रैम है आपका, ठीक है, 8 GB ऑफ रैम, 6 GB है, 3 GHz है, मतलब 3 GB है, 3 GHz कह रहा हूँ, 3 GB उसको शॉर्ट में कहते हैं, 3 GB की रैम हो गई, 6 GB की रैम हो गई, 8 GB की, गिग्स मतलब गीगाबाइट, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े रैम जो आपकी आ रही हैं, एक्चुअल में वो जो आ रही है आपकी, दे आर कॉल्ड एस डी रैम। अब इससे कंफ्यूज ये मत होना कि इस एस का मतलब स्टैटिक बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब स्टैटिक बिल्कुल नहीं है, ना बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब सीधा आता है सिंक्रोनस। और ये आगे डी रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, और आगे आपके आते हैं DDR4। DDR4 का मैं आपको फटाफट बताया था फंडा, ओके, DDR का फंडा सिंपल सा आ गया आपका। DDR के फुल फॉर्म में बता दो, डबल डेटा रेट, फोर मतलब वर्जन फोर। आज के डेट में जो DDR4 की जो रैम है आपकी, अब तो क्या DDR5 आ गया है टू बी एग्जैक्ट। DDR4 वॉज लॉन्च इन 2014 और अब 2020 के बाद से जो रैम आपकी जो भी इंस्टॉल आ रही है वो DDR5 आ रही हैं। अब अगर आप नए PCs देखेंगे तो नई रैम जल्दी हो रही है, DDR5 आ रही हैं। और DDR5 में आपको बताया था DDR5 का फंडा क्या है, 5 synchronous डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसका सबसे बढ़िया फायदा कि भाई आपकी जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ में आपको क्या बताया, बैंडविड्थ तो सड़क की चौड़ाई डबल कर देगा, जो पावर कंजम्पशन से वो रिड्यूस कर देगा। कि जो आपका लैपटॉप से, आपके मोबाइल फोन से, देखिए बैटरी कौन खर्च करता है, आपका प्रोसेसर खर्च करता है, आपके जो रैम होती है मेमोरी वो खर्च करती है, वो बैटरी चाहिए उसको। तो हम क्या कहते हैं कि भाई मुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए, स्पीड बहुत एप्लीकेशन चलाने के लिए मुझे तेज़ गति चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो यार पावर भी कम से कम कंज्यूम करे। तो ये कम से कम पावर कंज्यूम करता है। और आज की डेट में अगर मैं इसकी स्पीड आपको मैं नेट से देखकर बताऊँ, डेटा रेट कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। DDR4 की जहाँ पर थी, मैं आपको, चलिए मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको, ये अगर आप चाहें तो अपने आंसर्स में लिख सकते हैं और ये शायद इससे अच्छी बात रहेगी। DDR4 की जो रेट थी 1600 से 3200 मिलियन ट्रांसफर्स पर सेकेंड, जितने ट्रांसफर हो रहे हैं मिलियन ट्रांसफर है, मेगा ट्रांसफर्स 1600 से 3200 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकेंड, मेगा मीन्स मिलियन, 10% इतने हो सकते हैं। लेकिन DDR5 जो है हमारा, ठीक है, और इसकी जो वोल्टेज इस्तेमाल करता था 1.2 वोल्टेज VDD इतना इस्तेमाल करता था, ठीक है। और लेकिन जो DDR5 है मेरा, वो देखिए ध्यान से, 3200 से 6400 के रेंज में मिलियन या मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड, मेगा ट्रांसफर पर सेकंड इस्तेमाल करता है और पावर बहुत इससे भी थोड़ी कम कंज्यूम करेगा, 1.1 VDD। तो देखिए पॉइंट का फर्क में बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप रैम आपकी लग रही है ना, तो इतने से बहुत फर्क पड़ता है कंप्यूटर को। 0.1 अगर वोल्टेज भी अगर कम कंज्यूम हो रही है, तो आपको जो चार्जिंग जो आपको मिलती है, जो बैटरी बैकअप मिलता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत बढ़िया ढंग से फर्क पड़ जाता है 0.1 से भी। तो दीज आर द SD रैम्स जो इस्तेमाल हो रही है उसके समय, और आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि आपका कितनी मैक्सिमम रैम आप बढ़ा सकते हैं। लैपटॉप की बात करें या आपके अगर मोबाइल फोन की बात करें, तो स्नैपड्रैगन का 735, 835, 890 जो भी आपके जो प्रोसेसर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी इस समय क्या आ रहा है,
मैंने अभी सर्च नहीं किया इंटरनेट के ऊपर, वो मैं आपको एक बार बताना चाह रहा था। और ठीक है, तो ये होगी रैम्स की बात। ओके, तो अब मैं वापस जाता हूँ आपके इस पे। राइट, तो रैम की बात मैंने आपको बता दी, स्टैटिक रैम। अब मैं बताता हूँ स्टैटिक रैम होती क्या है। तो फटाफट मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ, तो अब मैं बताता हूँ आपको स्टैटिक रैम क्या होती है। तो स्टैटिक रैम की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, तो स्टैटिक रैम पहली बात एक लैंग्वेज में आप लिख लेता हूँ छोटा सा मैं, मेड फ्रॉम एन एरे ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, वेयर ईच फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, मेंटेन्स अ सिंगल बिट, जैसे आपको पता ही है, मेंटेन्स अ सिंगल बिट राइट ऑफ डेटा विद इन अ सिंगल मेमोरी एड्रेस और लोकेशन। ठीक है, एक मैंने बस लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी, बाकी अंग्रेजी तो आपको जो लिखनी है नोट्स आपके पास अवेलेबल है। टू वेट्स की ऐप डाल लो, उसके अंदर बतरे नोट्स भरे पड़े हैं, तो नोट्स का तो आपको सब पुलिंदा है, बस आपको समझाने वाला एक चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये मेरी नीड है जो मुझे लग रहा है कि हाँ आप लोग को समझाने वाला, अगर मैं समझा पा रहा हूँ तो आप लोग ही मुझे जज करिएगा, बताइएगा राइट। और अब कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर के भाई, कुछ पॉइंट्स है, मैं वो लिख देता हूँ कि एस रैम के बारे में, अगर आपको स्टैटिक रैम के बारे में कुछ लिखना हुआ क्विक, अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, गया 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि भाई एक्सप्लेन ब्रीफली स्टैटिक रैम, तो अब आप क्या लिखेंगे, तब तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में है क्या। तो शॉर्ट में एस रैम का बताता हूँ, तो एस रैम्स या मैं एस रैम इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है आपके पास, जो एस रैम होते हैं हमारे भाई सब जो होते हैं स्टैटिक रैम होती हैं, ठीक है, इनको जरूरत नहीं पड़ती, इट डजेंट रिक्वायर, इट डजेंट रिक्वायर एनी रिफ्रेश सर्किटरी, कुछ हमें अलग सर्किटरी या दोबारा सर्किट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिफ्रेश सर्किटरी, क्योंकि स्टैटिक है भाई, अब जो मिला है मिला है, उसका काम चलाओ सीधा, ठीक है। क्यों ऐसे होता है, टू कीप द डेटा इंटैक्ट, इंटैक्ट, टू कीप द डेटा इंटैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है इज यूज टू, जो एस रैम भाई साहब है हमारे, दे आर यूज टू फॉर हाई स्पीड रजिस्टर्स, ठीक है, कैशेस, हाँ रजिस्टर्स में भी आपके स्टैटिक रैम का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और कैशे मेमोरी में भी रैम का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि कैशेस पार्ट ऑफ रैम, कोई अलग से कोई ऊपर से पुलिंदा उठ के नहीं आया, गिरा नहीं आपके हाथों में, देखो कैसे आगे आप काम करो, नहीं, जो रैम गिवन है उसका छोटा सा पोर्शन जो होता है वही मेरा कैसे काम करती है, तो उससे में से मुझे कुछ रजिस्टर्स लेने होते हैं, ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो स्मॉल एंड स्मॉल मेमोरी बफर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा काम भी हो सकता है, ठीक है। और एस रैम हैज एक्सेस टाइम्स, इनकी जो एक्सेस टाइम होती है, ठीक है, इन द रेंज ऑफ
10 to 30 नैनोसेकेंड्स, 10 से 30 नैनोसेकेंड्स की एक्सेस टाइम होती है, इतने जल्दी ये फटाफट ये एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, हम इसको कह सकते हैं कि वेरी फास्ट एक्सेस कह सकते हो, तो बहुत ही फास्ट है एक्सेस टाइम, जितना कम होगा उतना तेजी होगी ना भैया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपके पास आ गई, बट इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, SRAM इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। तो ये कुछ पांच पॉइंट्स हो गए, पांच पॉइंट्स में आप SRAM को समझा सकते हो आराम से। इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर लो, देखो इंजीनियर हो यार, बीटेक का काम यही है, आधी जिंदगी बीटेक मैंने जो सीखी है, और मैं सही लिख रहा हूँ, ओके, बीटेक में यही करना होता है आपको, छोटे आंसर को बड़ा बनाना है, बड़े को छोटा बनाना है, आधी इंजीनियरिंग इसी में निकल जाती है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने भी किया, आप भी करोगे, ठीक है, और मज़ा बहुत आता है करने में, राइट, ठीक है। अब हम इसको फटाफट आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं डायनेमिक रैम के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल है सारा, तो मैं थ्योरेटिकल कम से कम बताऊँगा। मैं तो नेक्स्ट पेज बढ़ गए, मैं डायनेमिक रैम के अंदर, ओके, मैं इसको मोटे वाला कर देता, डायनेमिक रैम, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में हमने डी रैम भी कहते हैं, रैम रैम ऐसे मत बोल देना, डी रैम एस रैम ऐसे कब बोलना, ठीक है, ओके। अब इसके बारे में कुछ देखो, देख रहे थे इनकी कहानी क्या है एक्चुअल में, फंडा क्या है इनका, ओके। तो इसमें डायनेमिक रैम में आपका रिफ्रेश सर्किट आता है, बस ये फर्क है कि स्टैटिक रैम में कोई रिफ्रेश सर्किट नहीं होता, जो सर्किट दे रखा है उससे काम चलाओ, या आप सर्किट को बदल सकते हैं, ठीक है, तभी डायनेमिक रैम का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जो डी रैम है आपका डायनेमिक रैम है, इज यूज्ड, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी ऑफ मेमोरी इन यूज। तो आज के डेट में जितने आपकी मेमोरी यूज हो रही है, चाहे आप मोबाइल फोन पे एग्जांपल लें, चाहे आप लैपटॉप पे एग्जांपल लें, चाहे अपने पीसी पे एग्जांपल लें, सब में डायनेमिक रैम इस्तेमाल हो रही है। सारे ग्राम खत्म हो चुका है, ठीक है, बहुत जमाने की बात है, वो बाबा आदम के जमाने की बात है, तब ये खत्म हो चुका है, ठीक है, ओके। और ऑल द पीसीज, देखिए वही बात है, मैं वो लिख देता हूँ, ऑल द पर्सनल कंप्यूटर्स यूज डी रैम फॉर देयर मेन सिस्टम मेमोरी। आपको यहाँ पे कट तो नहीं रहा ना, साइड का टेक्स्ट प्रॉपर दिख रहा ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई सही होना चाहिए, ओके। इंस्टेड ऑफ, क्योंकि आज मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, तो मेरा वीडियो पोर्शन इसके ऊपर आ रहा होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है, डी रैम हैज मच हायर कैपेसिटी, तो इनके पैक कैपेसिटी थोड़ी और ज़्यादा होती है स्टैटिक रैम से, ठीक है, और इज मच चीपर देन SRAM। SRAM से थोड़े सस्ते, काफ़ी सस्ते होते हैं डी रैम डायनेमिक रैम से, क्योंकि सर्किटरी आपकी रिफ्रेश हो रही होती है, इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, रीयूज हो सकती है, एंड इज स्लोअर ऑल्सो, थोड़ी स्लो भी है, क्योंकि मेरे सर्किट चेंज हो रहा है, ठीक है, इज स्लोअर देन SRAM, ठीक है, ड्यू टू द ओवरहेड, ओवरहेड मतलब ओवरहेड नहीं, ओवरहेड का मतलब हो गया प्रॉब्लम, कोई कह सकते हो कि एक
गड़बड़ गड़बड़ भी कह सकते हो, या एक कह सकते हो कि एक ब्लॉकेड है या एक कमी है। वो ओवरहेड कंडीशन क्या आती है, ओवरहेड कहते हैं, ओवरहेड ऑफ रिफ्रेश सर्किट को। देखिए ओवरहेड जो वर्ड आता है ना बच्चों, मैं पहले संख्या लिख लूँ, ठीक है। ओवरहेड का फंडा ये होता है कि अगर आप एक चीज इंप्रूव करने जा रहे हो तो दूसरी चीज बिगड़ता है। मान लीजिए सीसो के तरह समझ लीजिए, अगर मैं एक चीज कम कर रहा बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी चीज कम हो रही है, ऐसे से हो रहा है। अगर ऐसे से सिचुएशन जो हो रही है हमारी, एक चीज अगर मैं इंप्रूव करने जा रहा हूँ, दूसरी चीज जो मैं इंप्रूव करने जा रहा हूँ उसको भी चाहता था लेकिन वो उसकी वजह से कम हो रही है, तो इसे कहते हैं ओवरहेड आना। सॉरी, ये हो गया, ट्रेड ऑफ मेंटेन नहीं हो पा रहा है, दोनों का समन्वय नहीं बैठ रहा है, तो ओवरहेड कंडीशन। तो सर्किट तो मेरी रिफ्रेश हो रही है जिससे मैं डायनेमिकली इस्तेमाल कर सकता हूँ, चीप बना सकता हूँ, लेकिन इससे मेरा क्या हो रहा है, कॉस्ट तो कम हो रही है लेकिन स्पीड भी मेरी कम हो रही है, ठीक है। तो ये ओवरहेड आ गया। ओके, अब फटाफट हम बढ़ते हैं रॉन्ग के ऊपर, ज्यादा कुछ है नहीं, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रॉन्ग के ऊपर। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मैं इसकी थ्योरी से बताऊंगा, सीधा फटाफट बता दूंगा कि फंडा है क्या इसका, ठीक है। ओके, इस जो रॉम भाई साहब है हमारे, ये तीन प्रकार में आते हैं, ठीक है, इनके तीन टाइप है। ओके, पहला टाइप आपका आ गया, मैं ऐसे बता रहा हूँ, प्रॉम। प्रॉम का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रॉम। रॉम तो आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी, राइट। ओके, सेकेंड आ गया हमारे पास ईप्रॉम। ये आ गया आपके पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, और तीसरा आ गया हमारे पास डबल ईप्रॉम। ये आ गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रॉम, ठीक है। अब ये तीन प्रकार के होते हैं मेन मेन, तो इनको अगर हम फटाफट देख लेते हैं कि इनका फंडा है क्या। तो ये जो है, जो ये प्रॉम जो हमारा पहला आता है, ठीक है, डेटा इसमें लिखा जाता है, डेटा इज रिटर्न एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर के समय ही इसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, ठीक है। प्रोग्राम करने का मतलब होगा कि इसको बताया जाता है कि जैसे कि विंडोज जब स्टार्ट होती है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, क्या होता है, आपने कभी ध्यान दिया नहीं दिया मुझे, आपने बताइएगा, आपने अपने लैपटॉप या पीसी अगर घर पे हो तो जब आप सिस्टम ऑन करते हैं अपना, चाहे लैपटॉप चाहे हो, कुछ सेकंड्स के लिए एक स्क्रीन आती है। अगर एसर का लैपटॉप तो एसर का आता है, उससे पूछता है बूट पे करना कि नहीं, मतलब F1 F2 पे स्टार्टअप पे जाना जाना, एक दो सेकेंड के लिए आएगा गिनती के लिए, ठीक है। आप एप्पल है तो मैक का लोगो आता है, विंडोज का कोई है तो विंडोज के उसके थ्रू भी कुछ आता है, अगर एसर का लैपटॉप है तो मैंने उसमें आपको बताया, एचपी का तो एचपी का लोगो आता है, ठीक है। तो अब वो कुछ देर क्या आता है, एक्चुअल में पहले रॉम पढ़ता है, रॉम आपका सेव होता है आपके सिस्टम में होता है, बायोस में होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो सारी कहानी रॉम के अंदर सेव होती है। ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, डेटा पहले लिखा जा चुका है, सिस्टम को प्रोग्राम कर दिया गया, भाई सिस्टम को स्टार्ट करो। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यही रॉम आपको बताएगा कि भाई नो ओएस फाउंड, कभी विंडो उड़ा के देख लेना, ठीक है, विंडो उड़ा के देख लेना, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि उसको लिखा है कि नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, ठीक है। तो वो कौन बता रहा है, भाई रॉम बता रहा है, तो ये उसको प्रोग्राम किया गया कि भाई इस सूरत हाल में आपको ये करना है, इस मामले में आपको ये करना है, तो ये प्रोग्राम्ड होती है रॉम, क्योंकि पी रॉम, ठीक है।
नेक्स्ट आती है हमारे पास ईप्रॉम आती है। अब ईप्रॉम में क्या फंडा होता है, ये इरेजेबल है, आप इसमें डेटा इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इरेज करने का जो तरीका है सिंपल सा, सिंपल है, इसको इरेज, डेटा इज इरेज्ड, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से देता हूं, डेटा इज इरेज्ड यूजिंग यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, डेटा को इरेज किया जाता है और दोबारा प्रोग्राम किया जाता है एंड रीप्रोग्राम। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है, ये देखो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये चीजें फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं बेसिक कंप्यूटर के, ठीक है। ये चीज इसमें थोड़ी थोड़ी इंक्लूड कर ली, पता नहीं क्यों की है, आई डोंट नो, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल में आपको क्या आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास किए जाते हैं, बस ये हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज पास करके हाई वोल्टेज कॉजेस डेटा बीइंग इरेज्ड, ठीक है, और डेटा को हमने इरेज कर दिया, हटा दिया, काले कर दिया और फिर जब रीप्रोग्राम कर दिया। तो ये आपके तीन हो गए, आपके टाइप्स हो गए फटाफट। अब मैं फटाफट आपको बताना शुरू करूंगा कि 2D ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और 2.5D ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं फटाफट एक काम करता हूँ, आप लोगों के सामने मैं अभी एक वेबसाइट खोलता हूँ, उस वेबसाइट से मैं आपको मैं निकाल के आपको सिग्नल उसके ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ। राइट, मेरी वेबसाइट कहाँ गई भाई, ऑप्शन वेबसाइट, और देखिए मैं वेबसाइट आपके सामने देखिए निकाल रहा हूँ, देखिए ऑलरेडी मैंने सर्च कर भी रखा है, 2 and 2.5D memory organization, ये आपको देखो मिल जाएगा geeksforgeeks.com से, as it is मैंने ही पढ़ा है, अपने बच्चों को भी यही पढ़ा है और आप भी ये करना, ठीक है। इसी से मैं आपको बताना शुरू करूँगा सिंपल सा। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ जो ये मेरा ये चीज़ है, ठीक है, ओपन बोर्ड, इसको मैं शो कर देता हूँ, ओपन बोर्ड को मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, शो डेस्कटॉप पे, इसको मैंने आपको बढ़ा दिया, ठीक है। अब इस यहीं पे मैं आपको लिख के बताना शुरू करूंगा, तो अलग से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चीज अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसको पहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस थोड़ा मैंने बढ़ा दिया ताकि आपको ये दिख जाए। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अगेन अपना पेन निकालता हूँ और यहाँ पेन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखिए अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें, लेट मी चेक कलर कौन सा सेट है, मैं चलो ये पिंक है ये सेट कर देता हूँ। ये चीज़ क्या लिखी हुई, तो यहाँ लिखा होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है मेमोरी का, या जो रैम या रोम कुछ भी हो, इट इज़ मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स। अब ये बात हम करने जा रहे हैं कि मेमोरी की बनावट कैसी है, चाहे वो रैम हो चाहे रोम हो, ठीक है, इसकी बनावट कैसी है वो हम देखना चाह रहे हैं, ओके। एक मेमोरी बिट कैसे कंटेन करता है मेमोरी सेल, ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स मेक्स अ बाइट, ये तो आप लोगों को सब पता है, और जो मेमोरी है वो फॉर्म होती है मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एक मैट्रिक्स की तरीके से मल्टी डायमेंशनल होती है, मैट्रिक्स तो आपका 2D है, जैसे कई डायमेंशन बन सकते हैं आपके 2D 3D 4D 5D इस तरीके से बन सकते हैं, इनमें हर एक सेल जो है वो स्टोर करता है एक एक बिट को, और एक कंप्लीट रो करती है वर्ड को, मतलब एक एक आ रहा है तो एक एक बेटा स्टोर हो रही है, और ऐसे अगर एक रो वाइज चल रहा है आपका तो वो फिर क्या बन गई, एक वर्ड बन गई। तो एक सिंपल एक मेमोरी को डिवाइड किया जाता है इस फॉर्म में, 2 to the power n इक्वल्स टू कैपिटल n, या ये n स्मॉल है, ये देखिए मैं दोबारा इसको लिख दिया, n यहाँ पर क्या है भाई, ये क्या है यहाँ पर, ये हो गया नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, ये हो गए मेरे नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस, देखिए ये चीज यहाँ पर लिखी हुई भी है, और ये जो कैपिटल एन है ये क्या हो गया मेरा टोटल मेमोरी इन बाइट्स, ये टोटल मेमोरी मेरी पता लग जाएगी मैं इन बाइट्स में,
अगर आपको याद हो, जो हमने बेसिक कंप्यूटर जो थर्ड ग्रेड की जिसमें स्टार्टिंग की थी, मैंने आपको बताया था वहाँ पे 12 एड्रेस लाइंस थी, एड्रेस बस के लिए, एड्रेस रजिस्टर के लिए 12 बिट्स थे। तो टोटल कितनी आएगा, 2 3 पावर 12 आएगा, विच वॉज वॉट 4096। ये टोटल मेमोरी बाइट्स में आ गया आपका। तो देर विल बी 2 पावर n वर्ड्स, इतने टोटल वर्ड्स है मेरे पास। हर वर्ड की लेंथ आप वही कर सकते हैं, अगर एक एक 1 बाइट मेमोरी है, बाइट एड्रेसेबल है। अभी आगे बताऊंगा बाइट एड्रेसेबल भी वर्ड आएगा, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, ये सब बात आएगी आपकी। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया। तो अगर 8 बिट्स की है तो 4096 × 8 कर देंगे। ठीक है, अगर एक तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक इसके अंदर अगर 8 बिट्स आ सकती है तो 8 के 8 आ जाएंगी, 16 होगा तो 16 आ जाएगा, 32 होगा तो 32 आ जाएगा। अगर 8 है और बाइट के हिसाब से देखें तो ये बाइट एड्रेसेबल हो गया। और अगर मैं वर्ड की बताया होती, वर्ड साइज हो गया 8 बिट्स का, वर्ड साइज मेरा 16 बिट्स हो सकता है, 32 बिट हो सकता है, 64 बिट हो सकता है, डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आपका फ़र्क, राइट। ये आपको चीज़ समझ में आ गई, इसको मैं मिटाया था। फटाफट हमने मिटा दिया, फटाफट हमने, राइट। अब थोड़ा हम नीचे चलते हैं, राइट। अब ये देखिए जरा, दिस इज माय 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, टू डायमेंशन। थोड़ा मैं छोटा कर, अब ये 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का फंडा क्या है यहाँ पर, एक मिनट जो, यस। तो 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें इस डायग्राम को, तो यहाँ पर देखिए ये जो एक रो दिख रही है आपको, ये चीज, दिस इज माय रो, है ना। अब इस रो में आपको ये एक एक जो है ये बॉक्स है, ये कोई भी एक बॉक्स है, ये मेरा क्या स्टोर कर रहा है, एक एक बिट स्टोर कर रहा है, और ये वर्ड है मेरी, ये जो यहां से यहां तक है मेरी वर्ड है, नंबर ऑफ बिट्स में स्टोर करने वाला। तो ये मैं कह सकता हूं ये जो मेरी है, अब जैसे पहला बिट हुआ तो ये पहला बिट आ गया नंबर वन, ये दूसरा बिट आ गया, ये तीसरा बिट आ गया, चौथा बिट आ गया, पांचवा बिट आ गया, छठा, सातवां, ये जीरो, ये जीरोथ बिट, 1 2 3 7, ये कितने हो गए, 8 बिट्स हो गए। ऐसे अब एन भी कर दो तो एन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये देखो ये जो हिस्सा है ये क्या है, बिट लाइन, और ये क्या है मेरी वर्ड लाइन। वर्ड लाइन को कौन संभाल रहा है, एड्रेस लाइन मेरी, वर्ड लाइन को कौन संभाल रहा है, देखिए इस वर्ड लाइन को जो मेरी हॉरिजॉन्टल है, तो कौन संभाल रहा है, डिकोडर। डिकोडर कैसे जुड़ा हुआ है, एड्रेस लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर मेरे 3 बिट है तो कितने आएंगे, डिकोडर कितने आउटपुट देगा, 8। 4 बिट है तो कितने आउटपुट देगा, 16 देगा। अगर मेरे 12 बिट है तो कितने देगा, 4096 देगा। क्यों, क्योंकि डिकोडर का हमेशा आउटपुट क्या होता है, एन, और आउटपुट क्या होता है, 2 पावर n। ठीक है, एन बाय 2 पावर n का डिकोडर होता है हमेशा, ये अगर ध्यान रखिएगा हमेशा। तो जितनी हमारे पास जितनी एड्रेस लाइंस हैं उतने हमारे आउटपुट देगा। यहाँ पर जैसे 3 दे रखा है, यहाँ पर 8 आ रखा है। अच्छा ये क्या है पहला, अब ये तो हमारी वर्ड लाइन यहाँ से आ रही है, अब बिट लाइन कैसे आ रही है, बिट लाइन क्या करेगा कि किस किस बिट को सेव करना है, कौन से बिट हमारी आएगी। अब आने जाने का जो काम है, आना जाना लेन देन जो भी है, वो कौन देख रहा है, ये कॉलम में बैठे हुए इनपुट आउटपुट सर्कल देख रहा है। ये कह रहा है भाई मैं यहाँ की आवाज आई का ध्यान रखूंगा, आने जाने का ध्यान रखूंगा, डेटा आना है जाना है जो भी है, रीड एंड राइट जो भी होना है, वो एक स्लेट लाइन के थ्रू हो जाएगा। अगर मेरा स्लेट लाइन में अगर 0 है तो रीड होगा, 1 है तो राइट होगा। ठीक है, इस तरह से एक बिट काफ़ी है मुझे डिसाइड करने के लिए कि रीड होना है कि राइट होना है। ठीक है, अगर राइट होना है तो अंदर जाएगा, रीड होना है तो बाहर आएगा, मेमोरी से रीड होना, मेमोरी में राइट होना। ठीक
ठीक है, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, रीड राइट, ठीक है। आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आप लोग रीड कर रहे हैं एक तरह से, यू आर गेटिंग समथिंग राइट है, तो अगर आप उसमें कुछ पुट करेंगे उसमें ऐड करेंगे तो राइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया मेरा 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब बताइए अगर कोई इसमें दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 2 to the power n वर्ड्स आपके टोटल लिखने होंगे, तो एक वर्ड कितने, एक वर्ड आपका ये हो गया एक रो, एक वर्ड हो गई, और उतने खाने कितने बन रहे हैं। ये सीख वही वाली बात है जो हमने देखा था बेसिक में कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का, जो हमने फंडा देखा था, जो आपको मैंने समझाया था। और ये कहानी मैंने यूनिट वन के लेक्चर नंबर आई थिंक 5 या 6 के अंदर आता है आपका प्रोसेसर है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर स्टैक, वो भी समझाया था, मेमोरी स्टैक रजिस्टर स्टैक तब भी समझाया था ये बात, उसको भी आप देख लीजिएगा। ये बात बार बार हमेशा ही आएगी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आप पढ़ें तो ये मेमोरी का तरीका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दिस मेमोरी जो हम जो पढ़ रहे हैं सामने, इसको हम क्या कहते हैं, 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, 2 डायमेंशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिकोडर है और एक हमारे कॉलम इनपुट आउटपुट सर्किट। ये क्लियर हो गया, एवरीथिंग क्लियर, मिटा दूं इसको, आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे करना चाहिए। और देखिए साइट आप ऊपर नोट कर सकते हैं, geeksforgeeks.org से मैंने 2D एंड 2.5D, अगर आप ये डायरेक्ट हम सर्च मार लेंगे तो आपके पास दिख जाएगा, ठीक है। मैं इसको कहाँ गया, बड़ा छोटा सा एरो दे रखा, राइट। अब मैं एक बार हम ये चलते हैं जरा, तो मैं ओके वापस आ जाते हैं, शो डेस्कटॉप, अब देखिए कहाँ गया, इसको मैं कर दिया थोड़ा नीचे, ठीक है। अब ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है तेरा, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ का फर्क आ गया, चीज़ तो वही है बस अब फर्क क्या है मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। डायग्राम देख लिया आपने, डायग्राम में क्या है फर्क, क्या है डायग्राम में फर्क, कुछ इस तरीके से। अगेन यहाँ पर एड्रेस लाइंस वही की वही है, डिकोडर सिलेक्शन हो गया रोज का। अब क्या हो गया, मेरा कॉलम भी सिलेक्ट हो रहा है। अभी क्या हो रहा है मेरे पास, अब मेरे पास एड्रेस लाइंस मेरे कॉलम के लिए भी है। नहीं समझ आया बात को, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2.5D मतलब 2D तो है प्लस आधा डायमेंशन, आधा मतलब एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने लगा दिया है, एक रो और कॉलम तो था ही, एक कॉलम एक्स्ट्रा मैंने उसके ऊपर एक पेज प्लेस कर दिया जो सिर्फ कॉलम का डेटा रीड कर रहा है, और कॉलम के डेटा को रीड करेगा कि एक्स्ट्रा लेयर एक मेरी बिट स्टोर हो रही है तो उसको देखने के लिए कि कौन सा कॉलम रीड होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला। इसका पैसे देख सकते हैं कि जैसे ये मेरा मोबाइल का कवर, ठीक है, डेटा मेरा या तो इसके ऊपर रीड होगा या इसके नीचे रीड होगा। दो कॉलम्स हैं, दो बिट लाइंस के कॉलम्स हैं, अप डाउन अप डाउन, ये तो है ही मेरे पास। देखिए रो वाइज तो है, रो और कॉलम है ना, ये तो है ही, लेकिन अब मेरा कॉलम मेरा दो हो गए, बैक और फ्रंट, ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो दो कॉलम हो गए, लेकिन रो तो मेरी वही चीज ही है ना, ये रो रही ये रो रही, बात एक ही है, रो कॉन्स्टेंट था, कॉलम मेरे दो आ गए। अब उन दो कॉलम्स को मुझे करने के लिए या इससे ज्यादा करने के लिए तो मैं उसकी भी एड्रेस लाइन दे सकता हूँ कि मेरी एड्रेस लाइन कितनी चाहिए मुझे उस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर देखिए सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एड्रेस लाइन मैंने कॉलम सिलेक्शन के लिए 3 ले रखी हैं, तो मेरी 8 कॉलम्स, मेरे 8 कॉलम्स ऑलरेडी पहले थे और मैंने कॉलम्स और लगा दिए, मैंने क्या कर दिया, इतनी रोज होगी और इतने कॉलम हो गए, देखिए राइट, 2 to the power n रोज एंड 2 to the power n कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2, ऐसे कई सारे कॉलम हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसको और हम अच्छे बेहतर समझ लेते हैं कि जो उसका टेक्स्ट क्या लिखा हुआ, तो मैं इसको मिटा देता हूं,
अब देखे ध्यान से, अब यहाँ पे मेरे पास अब एक्स्ट्रा चीज क्या मिलेगी, अब मेरे पास कॉलम का डिकोडर भी मिल गया, उस एक्स्ट्रा कॉलम को आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी है लिखना, ऊपर भी लिखा जा सकता है नीचे भी लिखा जा सकता है, मेमोरी एक प्लेन हो गई, मेमोरी प्लेन बन गई जो ऊपर भी लिखा जा सकता है नीचे भी लिखा जा सकता है, तो दो कॉलम हो गए मेरे, रो सेम रहेगी, रो सेम रहेगी आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा जा सकता है, ठीक है। तब यहाँ पे मुझे कॉलम, अब चूंकि दो कॉलम हो गए, एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो उसके लिए मुझे कॉलम का डिकोडर भी मिल गया, कॉलम का डिकोडर मिल गया, एंड अनदर इज अ रो कोड, ठीक है। कॉलम डिकोडर क्या करेगा, किस कॉलम को सिलेक्ट करना है, और रो कोडर करेगा रो को सिलेक्ट करेगा, एड्रेस फ्रॉम MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस उठाएगा, डिकोडर के इनपुट पे जाएगा, डिकोडर उसको स्लैश सेल को सेलेक्ट करेगा कि कहीं कहां पर है, बस अब एक एक्स्ट्रा बिट आएगी तो ये बताएगी कि भी ऊपर है कि नीचे, बस ठीक है। तो ये दिस इज 12.5D मेमोरी एलोकेशन, और कुछ नहीं इसके अंदर, कुछ खास नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं है, बस आपको डायग्राम में आना चाहिए, डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बल्ले बल्ले रहेगी आपकी, ठीक है। मैं इसको और थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार डायग्राम को ध्यान से एक बार देख लें, इस साइट पे जाके पढ़ लें, नहीं समझ आता है तो मैं हूँ अवेलेबल, थंबनेल के अंदर मेरा टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी रहेगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। चलिए अब इसके अंदर कुछ रीड और राइट ऑपरेशन हो रखे हैं, ये कम्प्लीटली थियोरेटिकल है। क्या दे रखा है, अगर सेलेक्ट लाइन मेरा रीड मोड में है, कोई भी हो, अगर मैं 2D की बात कर रहा हूँ तो सेलेक्ट लाइन कहाँ पे, कॉलम में आ रही है, क्योंकि कॉलम से ही डेटा रीड एंड राइट का हो रहा है और कहीं से नहीं हो रहा। एड्रेस वर्ड कहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है, वर्ड एक्सेस कहाँ से हो रहा है वो, और उस एक्सेस को रीड एंड राइट बताने के लिए वो कहाँ से हो रहा है, आपके रीड एंड राइट कहाँ से हो रहा है, आपका कॉलम से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा रीड मोड में है तो वर्ड जो बिट है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में बताया गया, That will be coming out to the data lines and get read. तो out जा रहा है, तो memory read operation में जो बाहर आएगा। और अगर write mode में है, तो कहाँ जाएगा data, कहाँ जा रहा है? The data from memory data register, MDR से data आएगा MAR के अंदर। अरे समझे? जब read पढ़ना है, तो read data कहाँ पढ़ा है? Location कहाँ है? कौन बता रहा है location को? Memory address register बता रहा है, ठीक है? उसको पढ़ो, data को जाके पढ़ लो। एड्रेस दे रखा, लोकेशन दे रखे, चलो जाके विजिट कराओ। लेकिन जब डेटा मुझे रिसीव करना है, कुछ मुझे लिखना है, तो डेटा पढ़ा था जाए, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर डेटा पढ़ा है, उसको जाके मैं MAR में दे दिया, ठीक है। विल गो टू द रिस्पेक्टिव सेल व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द MAR, ठीक है। तो ये डेटा MDR में पढ़ा हुआ है और ये जाके चला गया मेरा MAR के अंदर, तो डेटा लिखा जा चुका है, तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन। और विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट लाइन द डेटा विल बी सेलेक्टेड, रीड एंड राइट ऑपरेशन टेक प्लेस। तो वही रीड एंड राइट ऑपरेशन जो मैं आपको अभी समझाया, वो तीन लाइनों में आपको लेते हैं, तो दो डायग्राम हो गए, उनका एक एक लाइन की डेफिनेशन आप या उसका एक्सप्रेशन देख लें, तीन ये चीज़ें हुई, रीड एंड राइट ऑपरेशन भी समझा दिए। अब इसे कंपेरिजन करना चाहिए, कंपेरिजन भी कर सकते हैं हम उसको, देखिए ये कंपेरिजन मैं आपको फटाफट देख लीजिए, पाँच लाइन कंपेरिजन गिनती का, 2D में हार्डवेयर फिक्स होता है, लेकिन 2.5D में चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या फंडा है, 2.5D में क्या फंडा है, यहाँ पे मेरे पास तो फायदा है कि मैं अप में करना चाह रहा हूँ या बिलो में करना चाह रहा हूँ, तो दो कॉलम हो सकते हैं, अप एंड डाउन, तो एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो गया, आधा डायमेंशन ऐड हुआ, ठीक है। और 2D रिक्वायर्स नंबर ऑफ गेट्स, मोर नंबर ऑफ गेट्स चाहिए, लेकिन 2.5D में कम, क्योंकि यहाँ पर मेरा बट गया, अगर ऊपर नीचे दोनों में करना चाहूँ तो मेरे पास जगह मिल गई मुझे काम करने के, तो मेरे नंबर ऑफ गेट्स मुझे कम चाहिए काम करने के लिए। 2D इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ए के अंदर घसड़ पचड़ सारी होगी, लेकिन यहाँ मेरे पास जगह मिल गई यार, तो 2.5D ज़्यादा बेहतर है। एरर करेक्शन पॉसिबल बिल्कुल नहीं, अगर यहाँ घसड़ पचड़ ज़्यादा है, यहाँ दिक्कत ज़्यादा है, या पूरा गड़बड़ हो रखी, तो यहाँ पे एरर ढूंढना तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगी, अगर से ऊपर ढूंढना है तो, लेकिन यहाँ ऊपर नीचे करना है तो मेरा बट गया मामला, तो पता चला जगह ऊपर गड़बड़ी है तो नीचे गड़बड़ी है, ठीक है। कुछ वैसी बात है कि आपके जो सर्चिंग एल्गोरिथम होती है, तो लीनियर सर्च से बेहतर होता है बाइनरी सर्च, ठीक है।
2D वो डिफिकल्ट टू फैब्रिकेट इन कंपैरिजन टू 2.5D। तो 2.5D आराम से बन जाता है क्योंकि एक लेयर बनती है और नीचे लेयर साथ साथ बन जाती है, इसको फैब्रिकेशन कहते हैं। आपके जो पीसीबी होते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वो ऐसे ही बनते हैं आपके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2D एंड 2.5D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं पार्ट टू में आपको नेक्स्ट बताऊंगा कैशे मेमोरी का, कैशे मेमोरी होती क्या है, ठीक है, और उस कैशे मेमोरी के हमारे परफॉर्मेंस और फंडे वगैरह सब बताना शुरू करूंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे उसके टाइप्स देखेंगे कि भाई कैशे मेमोरी का किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम, ठीक है। वो मैं पार्ट टू आपको बताऊंगा, मैं जल्द ही मैं कल या परसों में वापस अपने रूम पे जाके मैं इसको कॉपी मैंने अच्छे से लिख रखा है या मैं कॉलेज से बैठ के मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप पार्ट वन फटाफट इसको पढ़ लें, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा पार्ट टू के अंदर आपको लाऊंगा मैं। देखिए यहाँ पर लिख भी देता हूँ, कहाँ गया मेरा, तो मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है। तो ये इतना मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं पार्ट टू में लेकर आऊंगा आपके पास कैशे मेमोरी, उसके मैपिंग तकनीक कौन कौन सी कैशे मेमोरी की मैपिंग के लिए क्या क्या हमें जरूरी है, और मैपिंग में आपको तीन तरह की मैपिंग आती है। एक आती है आपकी डायरेक्ट मैपिंग, और दूसरी आपके पास आती है एसोसिएटिव मैपिंग, और तीसरी आपके पास आती है के वे सेट एसोसिएटिव। ठीक है, ये तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधा, हम चलेंगे वर्चुअल मेमोरी के अंदर। वर्चुअल मेमोरी का भी आपको आइडिया दे दूंगा कि फंडा क्या है इनका, इनकी कंपैरिजन देख लेंगे हम एक बार। तो ये मैं आपको बताऊंगा, वर्चुअल मेमोरी बताऊंगा, हार्ड डिस्क का फंडा थोड़ा बहुत बता दूंगा, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। वर्चुअल मेमोरी में आपको बताना शुरू करूंगा तो आपको पता लग जाएगा, और बाकी नोट्स हैं ज्यादा पूछा जाता है। कैशे मेमोरी बहुत पूछा जाता है, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेट की तैयारी में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कैशे मेमोरी से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम बाकी वर्चुअल मेमोरी का भी देख लेंगे पार्ट टू या पार्ट थ्री में हम चल लेंगे। तो मोस्टली पार्ट टू तो मेरा ये कवर रहेगा क्योंकि इसमें मेरा काफी वीडियो चला जाएगा और काफी टाइम स्पेशली आपको बताऊंगा तीनों चीजें। तो कैशे मेमोरी होती क्या है, ठीक है, और L1 L2 L3 कैसे आपको बताऊंगा कि भाई आपके कंप्यूटर में L3 कैसे लिखा होता है, L2 कैसे लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो यहीं पे बंद करने वाला हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पार्ट टू को देखने कोशिश करूँगा। पार्ट टू के अंदर ही आपको ये यूनिट नंबर 4 भी ख़त्म कर दूँ। मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूँ, मेन मेन पॉइंट्स तो आपके सिलेबस के मैं वही कवर कर रहा हूँ जो बहुत बोरिंग पॉइंट्स हैं, ताकि आपको दिक्कत ना रहे पढ़ाई करने में, रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना रहे, राइट। So with that said, thank you so much for listening to me patiently. आपने मुझे बड़े ध्यान से और इसे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आवाज़ मैं भी इम्प्रूव कर लूँगा, आवाज़ मेरी सही आ रही है, मैंने देखी लगा रखा है, आवाज़ शायद अब अच्छे से आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मैं अब इसको वीडियो को एंड करता हूँ। कहाँ है मेरा टैब, शायद अब मेरी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।